पिछोर थाना क्षेत्र के घटवारा गांव में दबंगों ने 42 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला पिछोर थाना क्षेत्र के घटवारा गांव का है, जहां एक 42 वर्षीय व्यक्ति की गांव के कुछ दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या की शंका जताई है। परिजनों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों पर नाम दर्ज रिपोर्ट करने की गुहार लगाई है। नाराज परिजनों ने थाने के सामने सब को रख कर चक्का जाम किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि 9 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना चल रही है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है। कुछ महिलाओं ने चक्का जाम किया था, उन्हें भी समझा दिया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविंद्र जाटव। रविंद्र, ये जो खत्म हुए हैं कौन है आपके? चाचा थे। तो ये कैसे इनकी मृत्यु हुई? वो धर्मेंद्र यादव थे मनका वाले, और वो अर्जुन यादव और जसमान यादव मनका से, वो ले रहा है यहाँ से घर से, गले में हाथ डाल के उनने गोली मार दी। अच्छा, सामने लल्लू थे और गौरी शंकर और सचिन उनका लड़का, और महेंद्र थी। कहाँ के? घटवारा के। अच्छा, तो इसी मतलब इनकी हत्या क्यों कर दी? कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, थी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, कोई वजह थी? कोई वजह नहीं थी। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? आपने चक्का जाम किया है, क्या मांग? उनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, तो पुलिस द्वारा कोई FIR नहीं हुई क्या अभी? कर तो रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रहे। क्या चाहते हो आप? गिरफ्तारी चाहते हो? तभी आप चक्का जाम खोलेंगे? सर, ये मामला सामने आया है, घटवारा गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला सामने आया है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और रोड पर सबको रख के चक्का जाम किया है। ये कल रात को हमको सूचना मिली थी कि घटवारा गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ दौड़ा ले रहा उसकी मृत्यु हो गई। ये गोली लगने से मृत्यु का कारण आया है अभी सामने। पुलिस ने रात में ही इसमें परिजनों के बयान के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया था, और अभी विवेचना के दौरान जब परिजनों में से पुरुष थाने पर बयान करवा रहे थे और महिलाओं को ये लगा कि कार्रवाई में देरी हो गई थी, तो सड़क पर सर रख के चक्का जाम करने का उन्होंने प्रयास किया, और हम जब मैंने उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तो वो मान गई और उन्होंने चक्का जाम भी खोल दिया है। अभी गडबड़ी को PM के लिए रवाना कर दिया है। कितने लोगों पर मामला दर्ज है सर? ये 9 लोगों पर अभी रात में हमने मामला दर्ज किया है। चलिए सर, धन्यवाद।